हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको पनीर की भुर्जी के बारे में बताती हूँ। पनीर की भुर्जी हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए फ्रेंड्स। ये हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, नमक है, ये धनिया है, हल्दी पाउडर है, ये मिर्च है हमारी, गर्म मसाला है, ये थोड़ा धनिया है, ये हमने कटी हुई मिर्च ले ली है, ये प्याज है हमारी, ये टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा बेसन लिया है, कसूरी मेथी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो है फ्रेंड्स हम ये फ्राई पैन अपना रख देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद इसमें हम अपनी ये प्याज, कटी हुई प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बनके तैयार हो गया है मसाला। अब हम थोड़ा सा अपना ऑयल डाल के इसमें हम अपना 2 चम्मच बेसन के डाल देते हैं। बेसन डालने से क्या होता है, ये हमारा टमाटर, अब टमाटर अलग प्याज नहीं छोड़ेगा, टमाटर प्याज अलग अपना पानी नहीं छोड़ता, जिससे कि टमाटर अलग प्याज अलग होते हैं वो नहीं होगा, और हमारा ये अच्छे से भून जाएगा, ग्रेवी गाढ़ी जाएगी इससे। तो हमारा भून चुका है, इसे हम सबके साथ मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। इसे 2 मिनट और भूनकर हम अब तैयार करते हैं। ग्रेवी हमारी भून कर तैयार होगी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये हम ग्रेवी वाला पनीर बना रहे हैं, पनीर भुर्जी, तो आप देख सकते हैं इसको अपना ये पनीर डाल देते हैं, क्रश किया हुआ पनीर डाल देते हैं सारा, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इसे अब हम बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और हमारा पनीर ग्रेवी तैयार है। 5 मिनट के लिए तैयार रखना है, गैस की फ्लेम लो कर देते हैं, इसे हम 2 मिनट को ढक देते हैं।
फ्रेंड्स ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी थी, आप देखिए ये हम अभी से प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स ये हमारी तरी वाली पनीर भुर्जी बन गई है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई हो तो ज़रूर बनाएं, खिलाएं और अपने घर पे सबको खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स